जनपद उत्तरकाशी में बीती देर रात को पुलिस द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए थाना पुरोला क्षेत्र से अवैध चरस और स्मैक के साथ 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत एसओजी प्रभारी प्रकाश राणा के नेतृत्व में टीम द्वारा गत रात्रि को बड़ेती पोखू देवता मंदिर के पास से संदीप पवार और चंद्रेश नामक 2 युवकों को 13.37 ग्राम अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार किया गया है। साथ ही अन्य गिरफ्तार आरोपी के कब्जे से पुलिस और एसओजी की टीम द्वारा करीब 800 ग्राम अवैध चरस बरामद की गई। वहीं बरामद किए गए अवैध स्मैक और अवैध चरस की कीमत करीब 3 लाख रुपए बताई जा रही है। उत्तरकाशी से विनीत कंसवाल की रिपोर्ट। और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो विजन है ड्रग फ्री देवभूमि, उसके दृष्टिगत उत्तरकाशी पुलिस ने कल देर रात्रि 2 बड़ी कार्रवाई की है। उत्तरकाशी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में थाना कोतवाली क्षेत्रांकत और थाना पुरोला क्षेत्रांकत एसओजी और थाना की टीम ने मिलकर 2 अलग अलग केसों में 3 अभियुक्तों को पकड़ा है एनडीपीएस एक्ट के उल्लंघन में। थाना कोतवाली में 2 अभियुक्त जो कि स्मैक की रिकवरी में बरामद हुए हैं देर रात्रि, इनके पास से 13.37 ग्राम स्मैक मिली है। वहीं दूसरी ओर यमुना घाटी में थाना पुरोला क्षेत्रांकत 1 अभियुक्त जिसके पास से 800 ग्राम चरस की बरामदगी की गई।